बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनातीक अनवर है और बाय प्रोफेशन मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और मुल्तान में कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक के नाम से अपना क्लिनिक रन कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कैंसर डे के। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर आज मैं जिस बारे में बात करना चाहूँगा वो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने लोगों को ये बताते हैं कि वक्त से पहले कैसे पता किया जाए कि किसी को कैंसर होने का अंदेशा तो नहीं है। कुछ स्क्रीनिंग ऐसी हैं जो दुनिया में स्टैंडर्ड हैं, जैसे मिसाल के तौर पर छाती का कैंसर में लोगों को, औरतों को कहा जाता है कि जो 45 साल या 45 साल से ज़्यादा की उम्र की औरतें हैं उनको हम कहते हैं कि हर 3 साल बाद स्क्रीनिंग मेमोग्राफी यानी कि ख़ास किस्म के एक्सरे करवाए जाते हैं। इस स्क्रीनिंग का मकसद ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना है, पकड़ना है, ताकि उसका इलाज किया जा सके। 100% इलाज मुमकिन होता है अर्ली स्टेज में। इसके अलावा कुछ ऐसी स्क्रीनिंग हैं जो कि किसी इलाके की या जेंडर बेस्ड होती हैं या एज बेस्ड होती हैं। जैसे बूढ़े मर्दों में हम प्रोस्टेट कैंसर को पकड़ने के लिए रूटीन में टेस्ट करवाते हैं PSA का, ताकि अगर वो बढ़ रहा है तो उससे पता चलता है कि इस मरीज़ में कैंसर होने का ख़तरा है। इसके अलावा कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर कुछ ऐसे इन्फेक्शन या कोई ऐसी बीमारी हैं जिनकी प्रेवलेंस ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर ऐसी स्क्रीनिंग करना चाहेंगे कि जिससे हम उसकी वजह से आने वाले कैंसर को पहले से डिटेक्ट कर सकें। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ इलाकों में हेपेटाइटिस की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा हो गई है और ये हेपेटाइटिस अब साबित हुआ है कि बाद में ये जिगर कैंसर में तब्दील होता है। तो इन इलाकों में हम लोगों को यही आगाही देते हैं कि अपना बाकायदगी से हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाएँ और अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो उसका मुकम्मल इलाज कराया जाए ताकि इस कैंसर से बचा जा सके। इसके अलावा कैंसर एक लफ्ज़ ऐसा है जिसके बारे में या जिसकी स्क्रीनिंग या जिसकी तशखीस के लिए लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, झिझकते हैं, लेकिन इस झिझकने में हमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर हमने आज अर्ली स्टेज में कैंसर को मत नहीं पकड़ा तो कल को फैले हुए कैंसर का इलाज नामुमकिन होता है। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग डिस्कस करना तो पसंद नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के दिन में मैं ये कहूँगा कि हमें अब अपनी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि इस बढ़ते हुए मर्ज को, इस मुजी मर्ज को रोकने का एक ही तरीका है कि हम वक्त से पहले इसकी तशखीस करें ताकि इसका मुकम्मल इलाज करके हम अपने मरीज़ को सेहतयाब कर सकें।